धार जिले के धर्मपुरी क्षेत्र में नर्मदा से रेत का उत्खनन धड़ल्ले से चल रहा है। रेत माफियाओं पर एनजीटी के रोक बेअसर साबित हो रही है। मामले में स्थानीय प्रशासन एवं खनिज विभाग में कुछ गिने चुने अधिकारी माफियाओं से साठगांठ करके एनजीटी का पालन नहीं कर रहे हैं। धर्मपुरी क्षेत्र के ग्राम निम्बोला, भोगांव और गुलाटी नागेश्वर सहित अन्य स्थानों से खुलेआम रेत का उत्खनन किया जा रहा है। खनिज विभाग के अधिकारी पहुंचते हैं परंतु कोई कार्रवाई नहीं करते हुए कार्रवाई के नाम पर मात्र खानापूर्ति कर लौट जाते हैं। इतना ही नहीं, खनिज विभाग के अधिकारी कार्रवाई करने से पहले ही रेत माफियाओं को सूचना भेज देते हैं और माफिया खदानों से रफू चक्कर हो जाते हैं। धर्मपुरी क्षेत्र में अधिकारियों की साठगांठ के चलते अवैध उत्खनन जोरों पर चल रहा है। एनजीटी लागू होने के बाद नर्मदा नदी से रेत का उत्खनन पूरी तरह से बंद रहता है। इतना ही नहीं, खनिज विभाग को नर्मदा नदी पर जाने वाले रास्तों को पोकलेन एवं जेसीबी मशीन से काट कर बंद कर दिया जाता है, परंतु खनिज विभाग रास्तों को बंद करने के बजाय अवैध उत्खनन एवं परिवहन की अनदेखी कर रहा है। अब आपको बता दें कि एनजीटी क्या है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने 30 जून को समूचे प्रदेश में एनजीटी लागू कर दी है, जो कि आगामी 15 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस दौरान रेत का उत्खनन एवं परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है और एनजीटी मानसून को देखते हुए लागू की जाती है, जिससे नदी के संरक्षण एवं जल संचयन पर नजर रखी जाती है। साथ ही में इसी वजह से नदी से रेत उत्खनन पर रोक लगा दी जाती है। अवैध उत्खनन की वजह से नदी का स्वरूप बदल जाता है। अब देखना यह होगा कि खनिज विभाग अवैध उत्खनन करने वालों पर कार्रवाई करता है या यूं ही माफिया और अधिकारी मिलकर एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। फोटो खींच रहे महाराज की नेगा से रस्ता अभी जेसीबी नहीं मिली थी यार। अरे यार आप बना नहीं थी माल नहीं यार वहीं जाऊंगा। हाँ दीदास भाई मोबाइल ना पा गाँव में हाँ कह रहे हो।
वॉइस ऑफ राइट्स के लिए धर्मपुरी से जफर अली की रिपोर्ट।